हाय दोस्तों, मैं कमलेश वर्मा, हेयर स्टाइल ब्लॉगर। ये मेरा चैनल है सर। और मैं केला देवी मैया के मंदिर पे जा रहा हूँ। रास्ते में जाते जाते हमें कम से कम 4 घंटे का टाइम लगा अपनी गाड़ी से। फुल मस्ती करते हुए गए अपने दोस्तों के साथ। और कम से कम बहुत ही ज़्यादा रास्ता कठिन मिलता है इधर होके भैया, इसलिए मैंने बहुत ही फास्ट गाड़ी चलाई। और हम चलते गए आगे जाते जाते यहाँ पर रास्ते में बहुत ही अच्छी अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं। ऐसे तो पानी की भी व्यवस्था मिलती है, ठहरने उठने बैठने की व्यवस्था मिलती है। गाड़ी भी मैंने बहुत स्पीड में दौड़ाई, देखिए गाड़ी 80 और 90 के बीच में दौड़ रही है, ये देखो। और हम केला देवी मैया के मंदिर में भवन में पहुंचने वाले हैं। ये सामने जो दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है श्री केला देवी मंदिर ट्रस्ट। ये देखिए स्वागतम, सब लोगों का स्वागत है यहाँ पर आने के बाद। हम माता केला देवी के मंदिर में अंदर पहुँचने वाले हैं। ये देखो और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके अंदर जाने में। दोस्तों देखिए, इसके अंदर हम लोग अंदर पहुंच गए, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मेले के भी सजावट हमेशा रहती है। यहाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी सजावट लग रही है। यहाँ पर खिलौने भी बेच रहे हैं, खिलौने वाले खिलौने बेच रहे हैं। ये देखो दोस्तों कितनी सारी अभी भी भीड़ लग रही है। अभी इस टाइम हम गए हैं तो इस टाइम पर भी भीड़ बहुत है। अंदर जाने का मज़ा कुछ अलग ही है। यहाँ पे दोस्तों अंदर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और कितना अंदर तक व्यवस्था ऐसी है इसके अंदर जाने की कि कुछ पूछो मत। छाया भी है अंदर। और ये देखो चूड़ियाँ वाला भी कोई बैठा है, चूड़ियाँ वाला। और हमें एक अजीब सा नज़ारा मिला यहाँ देखने के लिए दोस्तों। ये बंदा जो है कमल का फूल कितने रुपए का लेकर आता है? कमल का फूल इसके हाथ में देखिए, अच्छा कमल का फूल। और 10 का ही बेचते हो आप? मैंने इससे पूछा कमल का फूल दिखाइए, काले बंदे ने बताया मुझे कि ये तो ये ओरिजिनल है ना, 10 रुपए का खरीदते हैं। इसे जरा एक बार टच लगाना बंद करके चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने एक फूल भी खरीदा था और उसे मैं अपने घर में बंद करके दिखाया था। कमल का फूल के बाद मैंने अच्छा लगता है, ये बड़ा भी बता रहा है लेकिन ये छोटा वाला, ये जो कमल का फूल है अभी छोटा है, ये शाम तक बताता है कि शाम तक बड़ा हो जाता है। और ये जो कमल का फूल बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। बिछ गए सारे बड़े बड़े वाले, रियल में अभी एक मिल जाएगा का चाहिए तो। कभी कमल का फूल ही नहीं देखा। तो दोस्तों नहीं, मैं तुझे ले चलूँगा गाड़ी में बिठा के, वहाँ लोगों तक ये कमल का फूल इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। आप लोग भी देखिए, अभी अभी छोटा है, शाम को बड़ा हो जाएगा। एक दिन में कितना बड़ा हो जाता है? बस दोस्तों ये बंदा बहुत ही अच्छा है। बड़ा कितना बड़ा हो जाता है? मैंने एक बात पूछी थी कितने का मिलता है, तो उसने साफ साफ बताया पानी के अंदर कितना बड़ा हो जाता है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा कमल का फूल लग रहा है, इतना बड़ा हो रहा था। देखो इसका साइज भी बताया इसने कि हम लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए, मेरे पीछे फ्रेंड आ रहा है मेरा, ये मेरे फ्रेंड है। और ये मैंने थाली भी ले रखी है, मैं माता रानी के दरबार में प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे चमचमाती धूप में सर बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कितनी कठिनाई बढ़ रही है। और ये अंदर पहुंच गए हम लोग, देखिए मंदिर में पहुंच रहे। अभी इतनी भीड़ अंदर तो नहीं है, डायरेक्टली जा रहे हैं लोग अभी तो अंदर, देखिए। तो दोस्तों देखिए, और हम मंदिर के पास जा रहे हैं, मंदिर में थोड़ी देर में प्रवेश होने वाले हैं। अंदर देखिए कितनी व्यवस्था यहाँ की बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। ये देखिए हम अभी मंदिर में पहुंचने वाले हैं, ये देखो दोस्तों। ये हम मंदिर के दीप जलाने के लिए दीप के पास पहुंच गए हैं। दीप जहां बना हुआ है यहां दीप लगा जलाते हैं।